हेलो एवरीवन, वेलकम टू रघुनंदन मनी। आज की वीडियो में हम स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में जानेंगे। ये डेवलप किया था जॉर्ज सी लेन ने, और ये इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहती है 14 पीरियड, चाहे वो डेली, वीकली, मंथली या फिर इंट्राडे का कोई भी टाइम फ्रेम हो, ठीक है। और इसकी ये एक प्राइस की स्पीड या फिर मोमेंटम को फॉलो करता है, ये प्राइस या फिर वॉल्यूम को नहीं करता, उसकी स्पीड या मोमेंटम को फॉलो करता है, ठीक है। इसमें बुलिश और बियरिश डाइवर्जेंस जो बनती हैं उस पर भी काम किया जाता है, सिंपल ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन की जगह। इससे बेसिकली ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन बताता है ये, जहाँ पे अगर ओवरबॉट में होता है तो एक मार्केट में थोड़ा नीचे आने का एक्सपेक्ट किया जाता है, अगर ओवरसोल्ड में होता है तो मार्केट बढ़ना एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर ओवरबॉट में है तो वो फिर ओवरसोल्ड में जाएगा या फिर ओवरसोल्ड में तो ओवरबॉट में जाएगा। कोई भी सिक्योरिटी एक लंबे समय तक भी ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में रह सकती है, ठीक है। तो जैसे कि हम ये चार्ट देख रहे हैं और इस पर स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर लगा हुआ है, तो जैसे कि एक फर्स्ट टाइम जब ये ऊपर जा रहा तो ये प्राइस बिल्कुल इसको अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छा काम करता है ये। बेसिकली मैंने इसको 4-5 ईयर्स के अराउंड यूज़ किया है और ये शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा सिग्नल देता है। यहाँ देख रहे हैं आपके ये ऊपर का जोन है, ये एरिया है वो ओवरबॉट जोन है, और जो नीचे का एरिया है वो ओवरसोल्ड जोन है। ओके, थैंक यू।